हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट सक्सेस ग्रुप। तो फ्रेंड, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10 में चैप्टर 4 की एक्सरसाइज 4.3 को। तो फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है, इन अ क्लास टेस्ट, कोई क्लास में टेस्ट हुआ, सम ऑफ शेफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश, उसके मैथ में और इंग्लिश में मार्क्स आए 30, हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथ में 2 नंबर ज़्यादा मिलते और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिलते, तो उनके जो नंबर आए हैं उनको प्रोडक्ट करने पे उनकी जो मार्क्स का प्रोडक्ट था वो कितना था, 210। तो बताओ उस दोनों के मार्क्स कितने होंगे उन सब्जेक्ट के अंदर, ठीक है, मैथ में और इंग्लिश में कितने मार्क्स होंगे, ठीक है। तो इसको करना शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो फ्रेंड देखो ज़रा, मैथ और इंग्लिश दोनों के मार्क्स का टोटल कितना दे रखा, हमें 30 दे रखा है, ठीक है। तो मैंने मान लिया, लेट मैथ मार्क्स, यानी मैथ के अंदर कितने नंबर मिले उसे, एक्स मिले, गणित में अंक वो मैंने मान लिया एक्स, तो मैथ की जगह रख दिया मैंने एक्स को यहाँ पे। तो इंग्लिश के मार्क्स कितने होंगे मेरे, प्लस का एक्स, ट्रांसपोज हो गुजर जाए किसका हो जाएगा, माइनस का, तो 30 में से एक्स माइनस कर दिए, ये आ गए इंग्लिश के मार्क्स और ये हो गए मेरे मैथ के मार्क्स, ठीक है। फिर क्वेश्चन में जैसा बोला गया हम वैसा फॉलो करेंगे, तो यहाँ लिख दिया मैंने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है कि जो मैथ में और इंग्लिश में इन दोनों के मार्क्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 210। लेकिन एक कंडीशन अप्लाई है, कंडीशन ये अप्लाई है कि मैथ में कितने मार्क्स आए उसके x, इंग्लिश में कितने मार्क्स आए उसके 30 माइनस एक्स। अगर हैड शी गॉट 2 मार्क्स मोर, अगर मैथ में 2 नंबर ज़्यादा मिले होते तो मैंने मैथ में 2 नंबर प्लस कर दिए, और इंग्लिश में 3 नंबर कम मिले होते, कम मिले तो क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, ठीक। तो इनके जो प्रोडक्ट होगा वो कितना होगा, 210, 30 में से 3 गया 27, माइनस एक्स 210, ठीक है। अब प्रोडक्ट करेंगे, पहले x को मल्टीप्लाई किया 27 के साथ, 27x, फिर x को मल्टीप्लाई किया x के साथ, पावर 1 और 1 2, 27 को 2 से मल्टीप्लाई किया 54, 2 को माइनस 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x, ठीक है। अब देखो जरा, 27x में से 2x गया, क्योंकि ये प्लस का और ये माइनस का है, कितना है 25x, यहाँ माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 54 इज इक्वल टू 210, तीनों को उठाया ट्रांसपोज कर दिया, माइनस का था उधर आ गया प्लस का हो गया, प्लस का था इधर आ गया माइनस का हो गया, प्लस का था इधर आ गया माइनस का हो गया, प्लस 210 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 25x। अब देखो, प्लस का 210, माइनस का 54, अब अगर एक नंबर माइनस का हो एक नंबर प्लस का हो तो हमेशा क्या करना, माइनस, 210 में से 54 को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ये मेरा कितना आंसर आ जाएगा, 156। अब दोनों में से देखो बड़ा कौन है, प्लस का तो निशान आएगा प्लस का, ठीक है। अब इसके फ्रेंड फैक्टर करने हैं, मैंने आपको बताया इसके दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ इसके। पहला फैक्टराइज मैथड इस क्वेश्चन का, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स स्क्वेयर माइनस 25x प्लस 150x, पहले इसको करते हैं फैक्टराइज मेथड से, ठीक है। फैक्टराइज मेथड में करने का तरीका क्या होता है, मैंने फर्स्ट वाले नंबर को लास्ट वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा 156, ठीक। अगर डिजिट छोटी होती तो हम नॉर्मली कर लेते हैं, अगर बड़ी होगी तो पहले उसके हमें क्या करने होंगे, फैक्टर करने होंगे। 156 के मैंने फैक्टर किए, 2 3 6, 1 2 9 18, 3 1 3 3 3 9। अब देखना ये 156 किस किस पे आता है, 156 1 156, 78 2 50 156, 39 4 156, ठीक है, 13 12 156, ये आ गए। अब हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने हैं, मल्टीप्लाई करने पे तो 156 आए, और प्लस या माइनस करो तो 25x आए, ऐसे सिचुएशन हमें ढूंढनी है, ठीक है। दोनों को प्लस किया
157 नहीं आ रहा, माइनस किया 155 वो भी नहीं आ रहा, ये फैक्टर नहीं होगा। दोनों को प्लस किया 80 नहीं आ रहा, माइनस का 76 नहीं आ रहा। दोनों को प्लस किया 43 नहीं आ रहा, माइनस किया तब भी नहीं आएगा। 12 और 13 दोनों को प्लस किया 25 आ रहा है, तो यानी फैक्टर मेरे कौन होंगे 12 और 13। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट डिजिट को और लास्ट डिजिट को सेम रखा, इसको मैंने स्प्लिट कर दिया किसमें 13x और 12x। अब मेरे को चाहिए माइनस का 25, इसलिए इसको भी माइनस का रखा और इसे भी किसका रखा माइनस का। ठीक है, इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ, दोनों में x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिया। दो हैं इसके पास, एक बाहर आ गया एक अंदर रह गया, x तो बाहर आ चुका। तो फ्रेंड मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, जब भी यहाँ माइनस का निशान हो माइनस को कॉमन लेना, अंदर वालों की साइन चेंज, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, दोनों में डिवाइड जा रहा है 12 का, 12 का डिवाइड देंगे, 12 वन जा 12, 12 में इसका डिवाइड दिया कितना आएगा 13 आएगा। ठीक है, माइनस कॉमन लेके निशान इसलिए चेंज किए ताकि दोनों को वापस प्रोडक्ट करूँगा तो मेरी यही सिचुएशन बन जाए, इज इक्वल टू जीरो। ये दोनों टर्म हमेशा एक जैसी होंगी, अगर नहीं आ रही है तो क्वेश्चन में समझ लेना मिस्टेक हो चुकी है। एक्स माइनस 13 और एक्स माइनस 12 इज इक्वल टू ज़ीरो, बराबर रखा जीरो के, माइनस का इधर किसका हो गया प्लस का, माइनस का 12 उधर किसका हो गया प्लस का। अब जो एक्स था वो किसके मार्क्स थे मैथ के, अगर उसके मैथ में 13 आए हैं तो इंग्लिश में कितने आए होंगे, 30 में से मैथ के नंबर माइनस कर दो कितने आए होंगे उसके 17 मार्क्स आए होंगे। ठीक है, अगर मैथ के मार्क्स उसके 12 आए हैं तो इंग्लिश में कितने आए होंगे, इंग्लिश में 13 में से 12 माइनस कर दिया कितना है 18। ठीक है, तो या तो ये सिचुएशन होगी या फिर ये सिचुएशन होगी। ये था फैक्टराइज मेथड। अब आपको मैं करके दिखा रहा हूँ क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से इस इक्वेशन का सॉल्यूशन, कि क्वाड्रेटिक से करते जिसका सॉल्यूशन में कैसे करते हैं। ठीक है, क्योंकि पेपर में हमें ये मेथड थोड़ा भारी पड़ जाता है, बट इससे हम थोड़ी कैलकुलेशन से तो ज़्यादा होती है लेकिन मेथड से बच जाते थोड़ा सा करने में। इसमें हमें क्या करना होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैच करना होता है इसको। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, साथ में कुछ भी नहीं तो वन, तो ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -25, सी की वैल्यू 156। तो सबसे पहले निकालते हैं डी, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, बी कितना है माइनस का 25, ए 1, सी 156। माइनस 25 को माइनस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 625, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई किया, हाँ 5 का 20 तो 22 हासिल, 2 4 का 4 2 6 624 कितना निकल के आया, दोनों को प्लस कर दिया मैंने, सॉरी थोड़ी मिस्टेक हुई फ्रेंड, ये माइनस प्लस माइनस हो गया यहाँ पे, तो 625 में 24 किया माइनस किया कितना आया 1 आ गया मेरा। तो x की वैल्यू जो होगी वो होगी मेरी माइनस का बी प्लस माइनस में अंडर रूट डी अपॉन में 2a, तो माइनस का बी कितना है माइनस का 25 प्लस माइनस में अंडर रूट डी, डी कितना निकल गया 1 अपॉन में 2a, ए की वैल्यू कितनी है 1, एक्स बराबर माइनस माइनस प्लस, ठीक है 1 का रूट तो 1 ही होता है अपॉन में 2। तो अब इसको एक बार लिख देंगे पॉजिटिव में, एक बार लिख देंगे इसको नेगेटिव में, एक्स बराबर 25 माइनस में 1, ठीक है कितना है 24 डिवाइड बाई 2 कितना आया 12 आया मेरा। तो यहाँ पर कितना हुआ 26, 2 का डिवाइड कितना आया मेरा 13 आया, सॉरी। तो यहाँ पे मैंने इसको एक बार पॉजिटिव में खोल दिया, एक बार इसको मैंने नेगेटिव में सॉल्व कर दिया माइनस को, तो ये मेरा यहाँ पे माइनस बी आया था, 25 का 25 1 का रूट 1 हुआ, दोनों को एक बार पॉजिटिव एक बार नेगेटिव, 25 और 26, 26 में 2 का भाग दे कितना है 30, और यहाँ पर एक बार पॉजिटिव नेगेटिव में, तो एक बार इसको नेगेटिव में खोला माइनस किया कितना है 24, 2 का डिवाइड दिया 12। तो मैथ के मार्क्स अगर इसके 12 है, मैथ में कितना है 12 आए हैं, तो इंग्लिश में कितने आए होंगे इसके, जैसे ऊपर वाला मैंने किया बिल्कुल सेम वैसे ही होगा 18 होगा, और इसमें अगर मैथ में इसके 13 आए हैं तो इंग्लिश में कितने आए होंगे 17। ठीक है,
तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबाएं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।